ऐसी है कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का एक प्रोग्रेसिव स्टेट है जिन्हें हम पुरोगामी राज्य बोलते हैं, ये प्रोग्रेसिव स्टेट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, शाहू, इस ऐसे नेताओं ने ये महाराष्ट्र को एक विचार की दिशा दी है। यहाँ जात को या धर्म को कोई स्थान नहीं है, हम सभी का ही इस राज्य में। लेकिन अभी कुछ महीनों से या कुछ सालों से, जब से बीजेपी आई है यहाँ, तब से इस राज्य में जात के आधार पर मराठा वर्सेस ओबीसी, मराठा वर्सेस धनगर, मराठा वर्सेस दलित, ये सबको एक दूसरे के खिलाफ झगड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो शिवसेना से आह्वान है सबको कि हमारा राज्य अस्थिर करके यहाँ का उद्योग, यहाँ का रोजगार कुछ लोग बाहर बाजू के राज्य में ले जाना चाहते हैं। और इस जो ये जो आप ये जो षड्यंत्र है उसमें हमको इसमें नहीं फंसना चाहिए, ये शिवसेना की भूमिका है। मुझे उद्धव विचारना ठाकरे ने सर, कहा कि जो भूपेश बघेल हैं अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो जो महादेव वाला मामला है का, वो हर हर महादेव ऐप हो जाएगा और उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। डेफिनेटली एक बार लालू यादव ने कहा था अगर मैं बीजेपी में शामिल होता तो मैं हरिचंद्र का अवतार बन जाता, सत्यवादी बन जाता, लेकिन मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो गया। हाँ, उनके सामने घुटने नहीं टेके, इसलिए मेरे ऊपर सब और मेरे फैमिली के ऊपर कार्रवाई चल रही है। ये जो महादेव ऐप की आप बात कर रहे हैं, वे सच है ना, अगर भूपेश बघेल जी बीजेपी में शामिल होते हैं या बीजेपी को मदद करते हैं तो उनको तो भगवान का स्थान मिलेगा, हर हर महादेव उनका ही अभिषेक किया जाएगा, ये तो सच है। महाराष्ट्र में देखो ना, अजित पवार, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, ये भी महादेव ऐप के मेंबर है ना, अब उनकी पूजा की जाती है, उनको जेल में भेजना था अब उनकी पूजा की जाती है, और देवेंद्र फडणवीस, मोदी जी, अमित शाह उनके ऊपर फूल डालते हैं। कल आपने देखा होगा गोंदिया में प्रफुल्ल पटेल जी ने स्वागत किया मोदी जी का, यही प्रफुल्ल पटेल जी, इनके ऊपर मोदी जी ने इकबाल मिर्ची के साथ संबंध जोड़ा था, मालूम है ना आपको, कल उनके स्वागत के लिए